करीब 5 सालों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जनता दरबार की शुरुआत की है। ऐसे में उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए और उस विभाग के अधिकारियों को उस समस्या का निवारण करने के जल्द से जल्द आदेश दिए। इस दौरान एक महिला शिकायतकर्ता उनके पास पहुंची, जहां महिला ने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनाई, जिसके बाद उन्होंने बताया, महिला शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी जितिया, उनकी सोने की जितिया किसी ने ले ली है। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि कब और कहां हुआ, तो महिला ने बताया कि अभी यहीं से उनकी सोने की जितिया किसी ने ले ली है। उन्होंने अपना गला भी दिखाया और कहा कि देखिए अभी भी मोती लगा हुआ है। इस पर नीतीश कुमार ने तुरंत इस मामले को देखने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके बाद डीएसपी और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर सिक्योरिटी जांच की। इस मामले का पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। बैठ जाइए। चेयर पर बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। क्या समस्या बताइए। क्या समस्या, क्या है बताइए ना। बेटी उन्हें नहीं होने दे रहा है, गांव की बेटी है, भाई नहीं रह के कारण ससुराल से लिए बस गए हैं नैरा में, उसी चलते नहीं दे रहा है ये जो पार कर गए। आप तो दे रहे, भाई नहीं रहने के कारण माइके में स्थायी रूप से बसी बेटी तक बारी को 50 मिनट 5 टोकन नंबर भी रहा नहीं दिया, कम नंबर वाला कुछ नहीं। कहना क्या चाह रहे, बताइए कहना क्या चाह रहे। कहना चाह रहे हैं कि हम रात नौकरी दीजिए। नहीं, मायके में बेटी के चलते नहीं मिला ना, बेटी के चलते नंबर ज्यादा है, बेटी के चलते उम्र भी तो थोड़ा पार कर गया, 6 महीना पहले अर्थी निकाला पार कर के गया। कौन डिपार्टमेंट, समाज कल्याण? समाज दीजिए, आइए। एक बात और सकता, अभी हमको मंगा जितिया काट लिया सोना का, वहाँ से जान न करने वाली पीछे से काटी, अभी देखे कार्तिक मोती है जितिया सोना का दायित्व करे, जितिया काट लिया, अभी काटा है, अभी काटा है, अभी तुरंत जांच करने की क्या करना है, तो सोना का जांच करें तुम्हारे तो काट लिया है। सोना का पानी जूतियाँ पहनी थी, जांच क्रम में कहा कि पीछे से खींचे तो टूट गया है, मिल ही नहीं रहा, यही बाहर